बाद में क्यों जगह ना क्या हरे बोले चले। तो दोस्तों हर हर महादेव, हम लोगों ने फूल वगैरह ले लिया, पूजा वगैरह करने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों। बहुत लंबा लाइन है, आगे कर आगे कर आगे कर तो गाइस इस मंदिर में पहले भी आ चुका था एक बार, और फिर आज आने का मौका मिला है शिवरात्रि में। एक बार आया था कुछ दिन पहले ही, यही मोटका चलवाया 25 किलोमीटर चलवा दिया सारा है मंदिर पहुंचाने के चक्कर में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है भोले बाबा का महाशिवरात्रि, आज भोले बाबा का शादी होने वाला है। तो गाइस चलते हैं मंदिर की तरफ, और आज मेरा उपवास भी है भोले बाबा के लिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं मंदिरों में क्या क्या है, क्या क्या अमेजिंग होगा, तो सारा कुछ मैं इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और चलिए तो चलते हैं दोस्तों भोले बाबा के मंदिर की तरफ। बाजार में डूब चुके हैं। बोल बोल मोटका, बोल मोटका एक बार बोल। तो कैसे हैं गाइस, देख सकते हैं ये हमारा तारापुर का बाजार है। जोर से बोलने दर सब्जी मंडी है, जल्दी में दिखा दीजिए। ये मोटका का सब्जी मंडी है और मिशन फेमस जालू शहर का मिठाई दुकान। ये कौन सा इलाका है, ये तारापुर का सब्जी मंडी ना। तो गाइस ये लोग पैदल चलवा चलवा के थकवा दिया, और अभी भी शिव मंदिर नहीं पहुंचे हैं, हालांकि शिव मंदिर के करीब है। तो चार पांच दोस्त हैं मेरे साथ, तो चलिए लेके चलते हैं शिव मंदिर। तो आइए दूर चलवा के इतना थकवा दिया है ना कि कहने का बात नहीं है। यही मोटका चलवाया 25 किलोमीटर चलवा दिया साला है, मंदिर पहुंचाने के चक्कर में। तो गाइस इस मंदिर में पहले भी आ चुका था एक बार, और फिर आज आने का मौका मिला है शिवरात्रि में। एक बार आया था कुछ दिन पहले ही, अब चलते हैं अंदर की तरफ। अभी दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मतलब शिव गंगा में, पैर वगैरह धोएंगे और उसके बाद मंदिर के अंदर इंटर करने वाले हैं। बोलिए, बहुत लंबा लाइन है, लाइन देख के ही सोच रहे आज पूजा नहीं हो पाएगा, कल होने वाला है, इतना लंबा लाइन है। क्या लगता है पूजा कर लेंगे? हम भोलेनाथ का
फाइनली अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी लेडीजों का एंट्री हो रहा है, थोड़ी देर में हमारा एंट्री होना चालू हो जाएगा। भैया का एंट्री करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखते हैं महादेव से मिलने का मौका, वेट करना पड़ेगा वेट। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ही भीड़ है, कहने की तो कोई बात ही नहीं है भीड़ का। अभी कितने भक्त लोग तो पूजा भी नहीं किया है। मिशन बोल रहा है कि चारों तरफ नहीं कर पाए तो सब जगह प्रणाम कर लेते, क्या मिशन? जरूर कर लेंगे। ये पावन चीजें इसको लगाना चाहिए, कभी भी आप अगर शिव मंदिर आते हैं तो इसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मिशन का भी टीका लग रहा है, मेरा तो हो गया। इसको लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इससे ना सर ठंडा रहता है। थोड़ा कुछ दे दो इनको, दो चार 10 रुपया।